ये था मेरा सरप्राइज। अब आज मैं सोची हूँ कि कहीं मतलब थोड़ी सी आज आपको मैं अपने घर के जितने भी पेड़ जानवर से एनिमल्स है सारे लोगों से मैं मिलवाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी जाकर मैं फ्री हुई, मतलब थोड़ा मैं सोची चलो ब्लॉगिंग करते हैं। एक्चुअली अभी तक मैंने मतलब खाना वाना बन गया, खा भी ली मैं, मस्त दो ही जन को खाना था, मुझे और मेरे पापा को, सो मैंने खा लिया। अभी सब्जी चावल मैंने मस्त बनाया और दोनों खा चुके हैं। और अब हाँ, अब मुझे कुछ काम है, जैसे कि मैंने कल बताया कि मम्मी एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ क्या है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए सस्पेंस थोड़ी सी, असली मैंने वैसे भी सारे लोग तो कितने सस्पेंस में डालते हैं, मैं मेरी बहुत कम सस्पेंस है, तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर आपकी सरप्राइज क्या थी, मतलब जो मैं सरप्राइज देने वाली थी वो क्या था, देखते हैं। चलिए फिर सरप्राइज क्या हो सकता है। वैसे सबको पता है, आप सबको कहीं ना कहीं पता है, मैं कितने बार बोल भी चुकी हूँ कि मेरी शादी है, तो वो शादी की डेट तो बहुत पहले फिक्स हो चुकी थी, ये मैं बताई नहीं थी मेरी शादी। और ये है मेरी शादी का कार्ड, सॉरी वर्ड आई कार्ड, जो मैंने अब तक कार्ड बटे नहीं है, बटना शुरू हो चुका है कुछ कुछ चीज़ें। और यही था सरप्राइज, और मेरी शादी की डेट जो है वो 27 जनवरी का है, 27 जनवरी इट मीन्स 27 जनवरी। और बस यही बताना था, और ये था कार्ड, मैं दिखाऊंगी इसको बैक से अच्छे से, और यही सरप्राइज था। और आप सभी को इसकी इनविटेशन भी है, जो लोग मुझे जानते हैं उनके यहाँ तो पहुँच जाएगी, लेकिन जिन्हें मैं नहीं जानती उनके यहाँ नहीं पहुँचेगा, और ना मैं बुला पाऊँगी। सो जिनको भी मना होगा कि हाँ मेरी शादी अटेंड करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आ सकते हो। मेरा घर रेंग यूनिवर्सिटी वोलिटी ब्लॉक। बाकी यहाँ पहुँचने के बाद आप मेरी शादी में आराम से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब दिखाती हूँ मेरी कार्ड, तो ये कार्ड सारा खुला हुआ ही था, पर पूरा हमने फोल्ड कर दिया है, सब सारे साइड फोल्ड कर दी, मुझे अच्छे से नहीं पता जितने भी कार्ड आया सारा फोल्ड हो गया, बट मैं इसको एक दिखाऊंगी आपको। देव पूजन संगीत जो है वो 26/1 का है, और 27 को ही हल्दी कलश घीढ़ी जो भी मंडप छड़पड़ा जो भी होगा सारा उस दिन होगा, उसी दिन सब कुछ है। बाकी इसमें बहुत अच्छी एक शायरी है, उस आंगन की बनी तू रानी, यह आंगन तो सपना है, उस आंगन की बनी तो तू रानी, बनी तू रानी, यह आंगन तो सपना है, आज विदा लो मुझसे बिटिया, वह सब तेरा अपना है। अच्छी है ना। बाकी ये था जो आप लोगों ने देख लिया, ये इस तरीके से फोल्ड होता है, और ये इसमें जाएगा, ये इसका बाहर का एस। सो गिव इट सिक्स, इतने सारे हैं, सारे काली है सब भरे हुए। अब आज मैं सोची हूँ कि कहीं मतलब थोड़ी सी आज आपको मैं अपने घर के जितने भी पेड़ जानवर से एनिमल्स है सारे लोगों से मैं मिलवाऊँगी, क्योंकि पता नहीं फिर मैं कब यहाँ से फुल हो जाऊँगी और फिर मैं कभी नहीं मिलवा पाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज मैं सबसे मिलवा दूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो आप सभी ने देखा भी है, पर फिर भी मैं फिर से मिलवाती हूँ, मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। शायद मैंने कल की वीडियो में जो एडिटिंग की है शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अभी के टाइम में ना लोग एंटरटेनिंग होना पसंद करते हैं, और वैसे मेरी वीडियो ज़्यादा इंटरटेनिंग तो होती नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रही कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और मैं अच्छा बना पाऊँ। बाकी चलते हैं उन लोगों के पास। वो लोग भी सोच रहा होगा पता नहीं क्या करने आ रही है, क्योंकि ऐसे भी सब लोग देते हैं। ये रहा मेरे घर की सबसे बड़ी वाली गाय, और इसका नाम है काली, कलिया कलिया सब बुलाते हैं इसको, और ये अच्छी है, प्यारी है, दूध भी देती है अभी, और मतलब मारती वारती नहीं है, एक होता है ना मारते हैं कोई कोई जानवर, वैसा नहीं है इसका। हेलो हेलो हेलो,
और दूसरी है ये ये जो है इसका नाम है लाली, मम्मी ने रखा है, वैसे हम लोग पुकारते भी नहीं है लाली काली जो भी। और ये रेड कलर की है इसलिए इसका नाम लाली रखी है। और जो बहुत मारती है, सिंह तो इसके बड़े बड़े हो चुके और मारती ही है, रूटी कहते अगर छूटो ना तो मारती है, वैसे तो नहीं मार रही है तो मारती है, अच्छी है प्यारी है। ये दूसरी वाली है, ये इसकी एक भी बेबी नहीं है, लेकिन इसके इस वाली काली वाली की एक बेबी है। और ये इससे तो आप पहले ही मिल चुके हैं, इसका नाम कुछ भी नहीं रखा है लेकिन आप कह सकते हो बाली। ये ढूंसने लगी कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ढूंसना शुरू ना कर दे, देखो मार रही ना, अभी भी मार रही है मुझे डर लगता है कहीं सच में ना मार दे। ये तीन जो है मेरे घर में गाय है, चार दिखा रही हूँ, ये तीन, एक दो और वो छोटी वाली जो उधर बैठी इधर गई, वो तीन। और इधर तीन बकरियाँ भी हैं, मेरी मम्मी ने रखा है हमें पसंद नहीं आती एक्चुअली जानवर लोग रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब उसे रखो वो उसकी साफ़ सफाई ना हो पा अच्छे से नहीं होता तो बहुत दिक्कत लगता है। हमारे घर वैसे जगह स्पेस है इसी की वजह से मतलब रखा हुआ है, नहीं तो नहीं स्पेस होता तो शायद नहीं रखते। इधर गोईठा, आप लोग पता नहीं क्या बोलते, मेरी माँ ठोकती है, मुझे भी बहुत लोग चिढ़ाते हैं, पर कोई नहीं हम भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं। और ये है हमारी घर की सबसे बड़ी वाली बकरी, सबसे बड़ी बकरी शरीफ है ये, सीधी शादी भूली, वो बोलते हैं ना शर्मिली टाइप की, ज़्यादा ना भागने का ना दौड़ने का, और अगर बोला जाए कि एक बार एक जगह पे आ जाओ तो ये आ जाए। और ये छोटी वाली सबसे बदमाश, छोटा सच में सबसे शैतान होता है, छोटा शैतान अगर खुल जाए ना तो ये पूरा घर में मतलब तबाही मचा देगी, इधर जाओ उधर जाओ, बार बार पकड़ के बांधना पड़ता है, कहीं खेत में ना चला जाए सारा पालक वालू खा जाएगी। और ये है बकरा, उसको मम्मी बड़ा करके बेचने वाली है, मुझे कुछ पैसा आ जाएगा और क्या, सारा चीज़ प्रॉफिट के लिए ही रखा गया है, नहीं सारा चीज़ नहीं बोल सकते हैं, डॉगी घर की रखवाली करता है, वो खाता पीता है तो रखवाली करने के लिए वहाँ भी प्रॉफिट है कि रखवाली करेगा, इसकी वजह से रखी हुई है, नहीं तो नहीं रखती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और गाय है जो दूध देती है, गोबर देता है, दूध ज़्यादा होता है तो बीज भी देती हैं, बहुत सारे लोग घर से लेके चले जाते हैं तो उसमें भी पैसा आ जाता है, गोईठा भी बेच देती है क्योंकि हमारे यहाँ तो गैस से बनता है और चूल्हे से भी बनता है, कोयले से भी बनता है, तो वो कम ही बनता है लेकिन फिर भी वो भी बेच के पैसा आ जाता है। और बकरा बड़ा होगा तो बेचेगी, ऑब्वियस वाली बात है, ये तो घर में भी लग सकता है मेरी शादी के बाद वो। और एक है जो मेरे छोटे सरदार, उसको बड़े सरदार बोलो, वो दरवाज़ा पे ही रहता है, उसको बोल सकते हो वॉचमैन, अक्सर या तो इस दरवाजे पर रहता है या उस दरवाजे पर रहता है। ये सो रहा, ओए इसको ललिया, एक्चुअली इसको कोई और पाले थे तो हमारे यहाँ आके रह रहा है, ओए उठ जा, ये सो रहा मस्त बाइक के नीचे छाया, उठ जा आ जा आ चल चल खाना खाएंगे चल जा, अब वो आएगा, अरे दिख जा, ये मेरे साथ ही चिपक जा रहा, कहाँ से दिखाऊंगे दिखाऊंगा, देखो अभी ये जा रहा है, इसे मैं खाना दूंगी। और इसका नाम ललिया है, ललिया सब वैसे मेरे घर में सब सेरू बुलाते हैं और इसका नाम ललिया है वही ललिया, मैं इसे लेके आई हूँ तो कुछ तो देना पड़ेगा खाने को, है ना। सो अब चलती हूँ मैं, एक्चुअली मैंने आज रोटी बनाया ही नहीं, ओके देखती हूँ कुछ बिस्किट वगैरह दे दूँ, कितना घूम रही मैं, मेरे घर में पतंजलि का बिस्किट यूज होता है एक्चुअली, मेरे पापा लोग पतंजलि का ही बिस्किट खाते हैं, दो मैं खाऊंगी दो इसको भी,
लो दो लोग खा जाएगा। बाय बाय। अब ज्यादा मत देखो, ये मेरे हिस्से की है। और आज पूनम ट्यूशन भी नहीं गई, वो उसका फास्ट डे भी है ऊपर से, मतलब वो उसके बच्चे लोग आज सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ लिए। और कल कल भी एक सरप्राइज है, इट मीन बच्चों की सरप्राइज, और वो सो रही है अभी धूप में छत पे ही सो रही है। और हाँ, एक पेट और है जो आप जानते हैं, बट मम्मी ने कबूतरों को भी पाल कर रखा, ये रहा उसका घर खजाना। कबूतरों का घर बहुत सही है, तो इतना छोटा सा स्पेस में नहीं हो पा रहा है इनका रहना, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ आ चुकी। छत छत उधर पूरम सोई अब मैं भी बिस्किट खा लेती हूँ। बाकी आप सब देखते रहो मेरी वीडियोस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरा चैनल सच में बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा मुझे लगता है। मैं तो सोच रही थी कि 1 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेट हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, थोड़े से क्या तो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, लेकिन कम है, और उतना पूरा करने में मुझे बहुत बहुत ही टफ लग रहा है। इसलिए टफ क्या है, टफ स्टार्टिंग में कोई चीज़ ना फेस करना पड़ता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। जब एक बार ठीक हो जाएगा बाकी ठीक है, वर्स्ट टाइम थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इसके लिए तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।